हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहॉलिक बाय सरनिका। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। और न्यूट्रिशन इन अमीबा को डिस्कस करने से पहले हम अमीबा के बारे में जानेंगे कि अमीबा एक कैसा ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में हम कुछ थोड़ी सी बातें जानेंगे, फिर हम उसके न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस लिटिल अबाउट पैरामीशियम। ओके, लेट स्टार्ट। अमीबा, देखो सबसे पहले अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर है तो हम इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और इट इज़ कॉल्ड अ प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन का मतलब क्या होता है? वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर बॉडीज़ के ऊपर फ्रीली फ्लोट करते हैं, वाटर बॉडीज़ के सरफेस पर फ्रीली फ्लोट करते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोटोजोअन्स। एंड ये जो प्रोटोजोआ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इसमें से ये जो अमीबा है और पैरामीशियम है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और अमीबा जो है ये आपको आपके कौन से किंगडम में आता है? प्रोटिस्टा किंगडम में अमीबा को रखा गया है। एंड सिमिलर विद द पैरामीशियम, उसको भी प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। सिमिलर विद द पैरामीशियम, उसको भी प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। यहाँ पर ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में मैंने आपको माइक्रोस्कोप के अंडर आप जब ऑब्जर्व करेंगे अमीबा को तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो वो माइक्रोस्कोपिक इमेज जो होती है अमीबा की, मैंने उसको शो करने की यहाँ पर कोशिश की है। एंड ये पाया कहाँ पर जाता है? वेयर इट इज़ फाउंड। अमीबा आपको मिलेगा, देखो, फ्रेश वाटर बॉडीज, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सबके सर्फेसिस पर फ्लोट करते आपको मिलेगा। हमको दिख नहीं सकता क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बट ये वहीं पर वाटर बॉडीज़ के ऊपर फ्लोट करते हुए पाया जाता है। और इसकी शेप इरेगुलर होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं। इसकी शेप इरेगुलर होती है, प्रोटिस्टा किंगडम में ये आता है, और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजॉइक होता है। रिप्रोडक्शन की बात करो तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय बाइनरी फ्यूजन। और अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने इसके कुछ उसको इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, इसकी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म। ये एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म का मतलब क्या है? जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का, उसको दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, एक्टोप्लाज्म एंड द एंडोप्लाज्म। जो आउटर पार्ट होता है उसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, जो इनर पार्ट होता है, जो ग्रेन्युलर होता है, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। और एक इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब का फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन होता है एक्सेसिव वाटर को बाहर एक्सपेल करना, क्योंकि अगर इसकी बॉडी में एक्सेसिव वाटर हो गया तो इसकी बॉडी रप्चर हो सकती है। तो उस एक्सेसिव वाटर को, क्योंकि ये वाटर बॉडी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, वाटर बॉडीज़ पर रहने वाला, तो ये कंटिन्यूसली वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और जब अगर इसकी बॉडी में एक्सेसिव वाटर हो गया तो ये इसकी बॉडी रप्चर हो सकती है। तो उस एक्सेसिव वाटर को एक्सपेल आउट करने का काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। एंड यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, सूडोपॉड, इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे। ये रहा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है, इसको हम कुछ स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप होता है इंजेशन, देन आप नीचे देख सकते हैं सारी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इंजेशन, फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है, जब भी अमीबा के आसपास कोई फूड पार्टिकल आता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया हो गया, तो एक फूड पार्टिकल अमीबा के पास आया तो ये सूडोपोडिया फॉर्म करेगा, और सूडोपोडिया की मदद से ये उस फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने की कोशिश करेगा। सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया का मतलब होता है ये एक फिंगर लाइक टेम्पररी प्रोजेक्शन, क्योंकि इसकी शेप तो रेगुलर है तो ये कोई सी भी शेप ले सकता है, तो एक टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये सूडोपोडिया की मदद से फूड को एंगल्फ करने की कोशिश करता है। अब जब अमीबा फूड को एंगल्फ करता है तो जो फूड पार्टिकल होता है उसके आसपास वाटर भी प्रेजेंट होता है, उसकी सराउंडिंग में कुछ वाटर भी होता है, उस वाटर के साथ ये उसको फूड पार्टिकल को एंगल्फ करता है। अब जो फूड पार्टिकल है वो वाटर से सराउंडेड है तो वो एक फूड वैक्यूल की तरह काम करता है। इस फूड वैक्यूल को हम अमीबा का टेम्पररी स्टमक कह सकते हैं। सो द फूड वैक्यूल विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड द फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड वैक्यूल होता है ये अमीबा के अंदर आ जाता है, और इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो कि इस फूड पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेंगी। और जब उस फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जो डाइजेस्टेड फूड होगा, दैट डाइजेस्टिव फूड विल बी एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द बॉडी ऑफ द अमीबा बाय डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो डाइजेस्टेड फूड है वो पूरी अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब फूड के एब्जॉर्ब होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो स्टेप होता है एसिमिलेशन। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, अब काम है उसका, डाइजेस्ट हो गया, फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब उसका काम है एसिमिलेट होने का।
तो जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है अब उससे एनर्जी ऑप्टेन करनी है, और एनर्जी ऑप्टेन की जाती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, यानी कि फूड डाइजेस्ट होने के बाद अमीबा की पूरी बॉडी में जो एब्जॉर्ब हुआ है अब वो एसिमिलेट होगा, यानी कि उससे एनर्जी ऑप्टेन की जाएगी थ्रू रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इजेशन। इजेशन के स्टेप में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो बाहर अमीबा की बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। अमीबा के पास एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं, तो ये अपने अनडाइजेस्टेड फूड को कैसे अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, तो ये अपने अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए अपनी सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करता है, और अपनी सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर ये अपने फूड को अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, और ये जो प्रोसेस है जिसकी मदद से ये अपने फूड को एंगल्फ करता है, जो प्रोसेस होता है जिसमें ये अपने फूड को एंगल्फ करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। अब हम डिस्कस करते हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर बॉडीज पर फ्लोट करता हुआ पाया जाता है, और ये इसे एक प्रोटोजोअन कहते हैं क्योंकि वाटर बॉडीज पर फ्लोट करने वाला ऑर्गेनिज्म है, और ये भी किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। यहाँ पर ये मैंने इसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज को शो किया है, अंडर द माइक्रोस्कोप ये कुछ इसी तरीके का दिखाई देगा। और अब इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यह पैरामीशियम का डिटेल स्ट्रक्चर, इसकी बॉडी सरफेस पर आपको कई सारे सीलिया दिखाई दे रहे होंगे, यही सीलिया जो होते हैं ये इसको मदद करते हैं फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने में, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको पेलिकल कहते हैं। यू कैन सी द पेलिकल हेयर, सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेलिकल। अब जो इसकी पैरामीशियम की जो शेप होती है ये डेफिनेट होती है, लेकिन ये जो पेलिकल होता है ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि समवॉट फ्लेक्सिबल होती है, तो इसकी शेप फिक्स्ड होने के बावजूद भी ये थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, अपनी शेप में माइन्यूट चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स मेम्ब्रेन कॉल्ड पेलिकल। और यहाँ पर आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिख रहा होगा, अगेन इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन है वो यही है कि ये क्या कर सके, जो एक्सेसिव वाटर है उसको एक्सपेल कर सके। ये माइक्रोन्यूक्लियस है यहाँ पर। माइक्रोन्यूक्लियस क्या होता है, देखो माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है पैरामीशियम का, और ये जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है यही इसके रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है, रिप्रोडक्शन के लिए यही माइक्रोन्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। और माइक्रोन्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, मैक्रोन्यूक्लियस का फंक्शन ये हो गया, ये इसके बॉडी को रेगुलेट करता है, इसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। देन इसका साइटोप्लाज्म, यहाँ पर आपको फूड वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसका बक्कल ओवरचर, यानी कि एक ट्यूब है जो कि इसके माउथ से पहले प्रेजेंट है, जो इसका माउथ है उसको साइटोसोम कहते हैं, जहाँ से फूड पार्टिकल अंदर आएगा, और उससे जस्ट अब एक ट्यूब प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड बक्कल ओवरचर। और ये एनल पोर है जिसको साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं, एनल पोर जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एक्सपेल आउट किया जाएगा। इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके पास आता है तो इसके सीलिया मूवमेंट शो करते हैं ताकि ये उस फूड पार्टिकल को ट्रैप कर सकें, और उस फूड पार्टिकल जो ट्रैप होने के बाद इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है थ्रू द सेल माउथ, बॉडी के अंदर आ जाता है, और फिर अगेन जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन और इजेशन का जो प्रोसेस होता है वो रिपीट होता है, जैसे कि अभी हमने अमीबा में डिस्कस किया था वो सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट होता है। तो इस तरीके से पैरामीशियम का जो न्यूट्रिशन है वो भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।